हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो यार सेम कुछ हुआ है कि आज ही हैप्पी न्यू है और आज ही हैप्पी न्यू है और बार बार का कोई सीन नहीं है यार। जब मैं सोच रहा होगा कि मैं बाहर जाऊंगा, बाहर घूमूंगा फिरूंगा तफरियाँ करूंगा, फिर 12 ही बज रहे हैं, बाहर जाऊंगा बाहर घूमूंगा फिरूंगा। तो यार मेरा सीन था, मैं अपनी अगर बात कर लूँ, मेरा सीन था बाहर जाने का, लेकिन बने जब डाके समझा मुझे कि नहीं यार ये चीज़ गलत है, तो मुझे रियलाइज़ हुई ये चीज़ गलत है। क्योंकि ये इसलिए क्योंकि यार पता नहीं इस चीज़ का मैं लास्ट टाइम आज देख रहे होंगे वो देख। हाँ किधर है हाँ गए, आवाज़ें तो बढ़िया आ रही है, वो फट रहे यार। देखो इस चीज़ का ना कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। लास्ट ईयर तक मैं भी बहुत बाहर घूमा हूँ, बहुत गया हूँ, सब जगह आगे पीछे इधर बहुत घूमा हूँ मैं भी ना। लास्ट ईयर तक सब जगह गया हूँ, आगे पीछे सब दो दरिया वगैरह इधर उधर शनवारी सब जगह घूमा हूँ, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है यार बिल्कुल ही। मैं लिटरली बता रहा हूँ बेकार है ये चीज़, एक रुपए की नहीं है चीज़, सिर्फ पैसा ज़ाया करने वाली बात है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इससे बेहतर है कि ठीक है नया साल है, अच्छी बात है, खुशी है, लेकिन घर पे आप रहो, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ये यार मजाक वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये बाकी ऐसा है कि नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, घर पे रहो। यार मैं कोई दावत इस्लामी वाला बंदा नहीं बन रहा, लेकिन ये सच है कि नमाज़ पढ़ो कुरान पढ़ो, फजूल यार बाकी बाहर घूमना फिरना इसके सिर्फ अपना नुकसान है और कुछ भी नहीं। कि इस टाइम पे 12 बज रहे हैं और इतनी सर्दी में आप बाहर जाते हो, एक से एक हराईपन हो रहा होता है बाहर, एक से एक हराईपन हो रहा होता है, एक से एक हवा में लड़का है होता बाहर, और ये राइडिंग इधर से ये वो एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत होते हैं। हाँ ये देख वो फट रहे हैं। हाँ ठीक है, देखो शुगली ये एक समझ आता है, ये अपनी छत के ऊपर करना ठीक है ये सब, लेकिन ये जो बाहर निकल के बाइकों पे ये सब, ये गलत है यार। ये चीज़ ऐसे नहीं करना चाहिए, बाइकों पे निकल जाते हैं ये करते हैं वो करते हैं। यार लास्ट ईयर तक मैं गया हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ इस बात को, मैं लास्ट ईयर तक गया और इस साल का भी मेरा प्लान था जाना था, लेकिन अब्बा ने जब मुझे बातें समझाई ना कि नहीं यार ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो बाकी इस बात का रियलाइज़ हुई है बस कि ये वाकई गलत है चीज़। एहतियात करी नहीं गए, वरना पूरा प्रॉपर सीन बना हुआ था जाने का हर बार प्रॉपर। और ये सब शुगल में लगता है कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे, उधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, दो दरिया जाएंगे, फलाना ढिमाका ये वो, लेकिन खैर में नहीं गए और लेक्चर बहुत लंबा हो गया, तारीख जमील बन गया, लेकिन ये चीज़ यार है और अमल करो इस चीज़ के ऊपर जिस तरह मैं कर रहा हूँ। मुझे आवाज़ इतनी आ रही है यहाँ पर पटाखों की, लेकिन नज़र नहीं आ रहे, आवाज़ बड़ी आ रही है, नज़र कोई नहीं आ रहा, वो गया वो उधर भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है, ज़्यादा होता किधर से पढ़ रहा है, कौन है ये, ना भी दो जब मैं घुमाता तो कोई नहीं करता। यार देखो सारी बात कुल मिला के ये कि ये चीज़ गलत है, इस तरह बाहर निकलना गलत है यार। रातों के टाइम में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अपनी ज़िंदगी से बंदा खेलता है और कुछ भी नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। और बाकी क्या यार,
फिलहाल के लिए तो यही है, यही था हैप्पी न्यू ईयर जो गुजर गया। उम्मीद है, दुआ यही है कि इंशाल्लाह आने वाला साल हम सब के लिए अच्छा साबित हो, खुशियों वाला हो, और बाकी ये जिसकी जो परेशानी है लगभग आसान फरमाए। लगभग आसान फरमाए जी जिसकी जो मुश्किलें हैं, मतलब आने वाला साल हर किसी के लिए, हर किसी के लिए अच्छा साबित। आमीन। तो यार मैं ऊपर से नीचे आ गया था क्योंकि शोर बहुत हो रहा था ऊपर बहुत। तो खैर यार, ये एक छोटा सा ब्लॉग था न्यू ईयर के, उससे क्योंकि जो है आजकल चल रहा है मैंने सब वही बताया है। बाकी जितना घूम फिर के यार बाहर दोस्तों को था कि मतलब बाहर घूमने फिरने जाते हैं, तो इतने पैसे बाहर रखने थे यार, उतने मैं घर पे ले आया था। फिर हम लोगों ने घर पे खा पी लिया जो खाना पीना था। खैर लेकिन यार देखो, खाने पीने का मसला नहीं होता, वो बंदा बाहर या कहीं भी दोस्तों में खा ले, ये कर ले। लेकिन मेन पॉइंट जो है ना वो ये है कि इस टाइम बाहर निकलना 12 बजे के बाद, क्योंकि यार जाहिर सी बात है ये सबको पता है कि ट्रैवलों का भी टाइम होता है, ट्रिप्स वगैरह भी इसी टाइम निकलते हैं, उनको परमिशन है इसी टाइम की। तो इस टाइम अगर हम लोग निकलेंगे अपनी गाड़ियाँ लेके रोड पे, और एक मतलब शुगर मेला लगा हुआ होता है बाहर, ये गलत है, ये वाकई गलत है। फिर एनीवे, ये आने वाला साल हम सब के लिए खुशियों का बायस बने, हर किसी को हर तरीके की खुशियाँ मिले। बाकी ये छोटा सा ब्लॉग था यार, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।